स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। What a sort, it's द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट जूनापुर हॉस्पिटल रोड बाईपास रोड सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स, तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766969414। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हम लोग आ चुके हैं सिवान शहर बीचों बीच। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये गांधी मैदान का नजारा है, और गांधी मैदान है काफी फेमस जगह है, और यहाँ का जो परिवर्तन है, यहाँ का जो विकास है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बार समाज के लिए, सिवान की जनता के लिए और आवाम के लिए सभापति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अपना बिगुल बजा चुके हैं। कई चैनलों पर इनका जोरदार धाकर इंटरव्यू चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग पहुँचे हुए हैं, इनसे मुलाकात किए और बात किए कि सर आपसे इंटरव्यू लेना है, बात कर रहे हैं हमारे चैनल भी, आप आइए। और आपका एक लजीज तरीके से कहा जाए कि जनता के बीच आपको प्रस्तुत किया जाए। लोग खाने में लजीज ढूंढते हैं और आजकल व्यक्तिगत में लजीज ढूंढते हैं, उसी तरह से मैं पहुंचा हूं गांधी मैदान में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शख्स जो इस बार सभापति का चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं। और सबसे बड़ा मेरा पहला तीखा सवाल होगा कि आखिर ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ कि बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पूरे बिहार में अब जो सभापति का चुनाव होगा, पहले चुनाव होता था वार्ड वोटिंग करते थे तो उनका चेयरमैन का चुनाव होता था, लेकिन अब जनता चुनेगी, यानी कि जो वार्ड का चुनाव होगा जिस तरह से उसी तरह से चेयरमैन का या सभापति का या उप सभापति का चुनाव होने के लिए प्रोसेस में आ चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शख्स जो इस बार चुनाव लड़ने के लिए लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, और बीचों बीच हम लोग इंटरव्यू इसलिए लगाए ताकि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के युवा लोग देख सकें। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कि अपना टाइम दिया, और खास तो मैं आपको बहुत एक धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत खुशी हो रही है कि लोग घरों पे इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप बीचों बीच गांधी मैदान में आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले मेरा ये राज मैं ये सवाल करूँगा कि आपने क्यों बुलाया यहाँ पे? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुले स्थान में होना चाहिए, सब लोग देखें, किसी और भी कोई और कोई समझते हैं, मतलब कोई जिज्ञासा हमसे कोई सवाल पूछने का, वही पूछ सकता है, पूछ सकता है। और लोग आए, आप तो पत्रकार है, कोई खड़ा होकर पूछना है पूछ ले, उसका भी संदेह क्लियर हो जाए। जो नहीं जानते हैं उसके बारे में पूछ ले हमसे। इसलिए हमने कहा घर को तो अकेले बोलेंगे, यहाँ रहेगा तो पब्लिक ओपिनियन भी लीजिए, आप लोगों से भी पूछिए। ये बताइए सर कि जैसे आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सभापति का, आई थिंक मुझे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल आता है हर किसी के जहन में और देखने को ये भी मिलता है कि बहुत सारे लोग इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि कहा जाए कि युवा और नए नए प्रत्याशी सबको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, और मतलब एक परिसमन ऐसा आया हुआ है सरकार से कि जिसको मन वो चुनाव लड़ने के तैयार हो चुका है। तो हम ये आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पहला रुझान क्या था, कि चुनाव जो अभी लड़ रहे हैं इसके बाद भी अगर सरकार का जो आदेश अभी आया हुआ है कि आदेश लड़ाता कि नहीं चलो आवाज़ ही आपको चुनाव जीते और वही चुनते तब भी चुनाव जीतते रखते हैं, या कि सिर्फ आपको इस बार चुनाव लड़ने के लिए जो सरकार ने आदेश दिया है उस क्रम में चुनाव लड़ना नहीं, जब अगर वार्ड कमिश्नर चुनते चुनाव को, वार्ड कमिश्नर अगर चुनते सभापति को, पार्षद को या चेयरमैन को, इस चुनाव को हम नहीं लड़ते। इसलिए हमारे औकात नहीं था एक करोड़ रुपया दे खरीद के हम चुनाव लड़े। अच्छा। मेरे पास पैसा नहीं है, जब एक करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर एक करोड़ रुपया निकालने के लिए ना कोई इसमें चोरी करेंगे। अच्छा, ना आप खर्च करेंगे ना आप चोरी करना चाहते हैं। अच्छा, आपका ये कहना ये है कि जो लोग चुनाव इसके पहले जीते हुए हैं वो पैसा मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसको फिर निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। कहीं भी होता है, कोई नया बात होती है, हॉर्स ट्रेडिंग हर जगह होता है, विधायक खरीदे जाते हैं, वार्ड कमिश्नर खरीदे जाते हैं, जिला परिषद में नहीं खरीदे जाते हैं, कहाँ कौन नहीं जानता है, कहाँ MLC चुनाव वाला का फ्री में होता है, क्या पैसा नहीं लेता जनप्रतिनिधि? अच्छा, छुपा है किसी से? आप बताइए, कोई छुपा है तो आप बोलिए, देख रहे आप पत्रकार हैं, आप कोई छुपा नहीं है। तो ये पैसे का चुनाव होता तो हम नहीं लड़ते, हम नहीं खरीदेंगे और ना ही हम ये इसको न खरीदेंगे और ना ही मतलब कि हम बनने लायक होते हैं। यानी आप साफ तौर पर कहना है कि ये चुनाव जो हो रहा है जनता के बीच अब आ गया है, इसीलिए आपने चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया? इसलिए कि ये चुनाव फ्री ऑफ कॉस्ट का चुनाव है, जनता कुछ वोट देना है। हाँ। ये प्रचार प्रसार भी कम होगा तो हाँ। लोग अपना वोट जाएंगे मत देने के लिए, तो निश्चित तौर पर लोग जानते हैं। हाँ। हम जब 2-3 बार मतलब 2007 से पार्षद रहे हैं यहाँ पे, 2 बार पार्षद हैं, हमारे माता जी भी पार्षद हैं, हमारे पिताजी पार्षद रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। आपके परिवार से राजनीतिक माहौल रहा है जी,
तो इसमें कोई हमको ये नहीं है, सोचना हाँ। नहीं है कि हमको पहचान करानी है हाँ। हमको पहचान, सब लोग घूम रहे फील्ड में हाँ। हम बहुत कम नॉर्मल चलते हैं हाँ। नॉर्मल मिलते हैं, सब लोग से मिल रहे हैं इसी तरह, हमको क्या करना है इसमें। अच्छा चलिए, आप एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग इसमें अभी सीमांत सिटी में खास तौर से ऐसा ऐसा मतलब लोग आ रहे हैं कि अपना जनसंपर्क इतने ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं, कोई काफिला निकल रहा है, कोई मोटरसाइकिल का काफिला, कोई बोलेरो का, तो कोई फोर व्हीलर का, तो कोई जन रैली का, मतलब लगातार जनसंपर्क देखा जा रहा है सर। और कहा जा रहा है कि एक मतलब मूवमेंट पे राजनीति हो गया है सीमांत शहर में, और कई ऐसे चेहरे जो युवा भी आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए इसमें प्रजातंत्र है जी, सबको लड़ने का अधिकार है, पागल छोड़कर हाँ। ठीक है अच्छा, पागल नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता प्रजातंत्र में, वो सर्टिफिकेट दीजिएगा कैंसिल हो जाएगा अच्छा। तो हर आदमी को प्रजातंत्र में लड़ने का अधिकार है हाँ। और जहाँ तक ये भीड़ भड़का की बात कर रहे हैं आप, तो हर आदमी अपने औकात के हिसाब से होता है, हर आदमी का सोच अलग होता है हाँ। जिसके पास संपत्ति है, धन है, तो निश्चित तौर पर लुटा के लड़ेगा। एक सवाल आपसे करेंगे कि आपसे पूछेंगे पहले, लेकिन आप ये बताइए आप भ्रमण अभी कहाँ कहाँ कर चुके हैं सीमांत जिला में? अरे यार, अब तो 15 साल से पार्षद जब ऑलरेडी डायरेक्ट नंबर से जुड़े हुए हैं, तो 15 साल से पूरे शहर के घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, 15 साल से कोई किया भ्रमण। अच्छा, एक सवाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आज गए थे सुबह की तरफ, तो वहाँ पे अचानक आप इनके साथ में हैं, और जिस तरह से ये जो आपके साथी हैं, ये जो कह रहे हैं कि 15 साल का जो परिणाम है वो दिखने के लिए इस बार हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है कि कौन क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो शख्स है इंतखाब अहमद, ये इस सिवान के लिए कोई नया चेहरा नहीं है जी। आप पूरे सिवान में हाँ। किसी भी वर्ग के लोग, शिक्षित लोग हों, अशिक्षित लोग हों हाँ। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जुडिशियरी में हैं, जिस भी फील्ड में लोग हैं, उनसे इनके बारे में आप जान सकते हैं। इस शख्स का नाम हम लोगों ने मिस्टर केजरीवाल रखा था पहले। अच्छा, मिस्टर केजरीवाल जी। अच्छा। इन्होंने 15 साल से, इनका जो भी 10 साल ये वार्ड पार्षद रहे, अभी इनकी माता जी हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में 3-4 जो चेयरमैन थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप तय कराकर उन पर FIR करवाया, जो कार्यपालक अभियंता थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते थे नगर पालिका के, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ भ्रष्टाचार। इसी तरह से इन्होंने अपनी पूरी जीवन को और पूरे कार्यकाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, और इस समाज के दबंग लोगों से, इनको कई बार धमकियां भी मिलती रही, हम लोग भी समझाते रहे हैं इतना ये सब लड़ने का झगड़ने का थोड़ा सा इस पे ब्रेक लगाइए, लेकिन इन्होंने इस बात को अनदेखा अच्छा, करते हुए लग रहा है कि जैसे कि जो ये मतलब चुनाव सरकार ने आदेश दिया है जी, ऐसा लग रहा है कि जिसको मन हो रहा है वो चुनाव लड़ने के तैयार हो चुका है। देखिए, चूंकि ये तो एक डेमोक्रेटिक ये माहौल है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, एक डेमोक्रेटिक राइट है यहाँ के सिटीज़न का, और लड़ सकता है। लोग अपने आप को आंकना भी चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इस समाज में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक दिखावे के लिए भी, अपने नाम और नमूद के लिए भी बहुत सारे लोग मैदान में आए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह पैसे की रेल पेल है, गाड़ियों से लोग जो है वो अपना जो भी शहर के बीच है, और हमारे से जुड़े रहते हैं इंतखाब अहमद जी, जो कई सालों से लगातार अपने क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, और कई मुद्दे पे हमने बात किया, विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे, और खासतौर से जो अभी सिवान में भ्रष्टाचार का जो खिलाफ आंदोलन होने वाला है, बहुत लोग कर रहे हैं और ये भी उस आंदोलन में सहभागी बने हुए हैं, और ये 15 सालों से लगातार अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का भ्रमण करके काम करते आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें।